यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के साथ साथ बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ और अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांत इस परीक्षा की तैयारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनकी माताजी श्रीमती रुचि सिंह जी को, उनके पिता श्री राजेंद्र कुमार राव जी को और परिवार के सभी सदस्यों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर यद्यपि पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस सबके बावजूद ऊंचे इरादों के साथ ही परिश्रम और पूरी ध्येय निष्ठा के साथ, लगन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की जो एक तमन्ना होती है, उसे प्राप्त करने की जो एक उत्कट इच्छा शक्ति दिखती है, वह कुमारी आकांक्षा सिंह ने अपने परिश्रम से, अपने लगन और अपनी मेहनत से करके दिखाया। ये प्रदेश के लिए और देश के सभी बालिकाओं के लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं इस अवसर पर कुमारी आकांक्षा सिंह को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ में चिकित्सा शिक्षा और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी हैं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी हैं, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना के साथ ही सभी वरिष्ठ हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण भी इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। वास्तव में ये बालिकाओं के लिए रोल मॉडल हैं और उन परिवारों के लिए भी जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं या खासतौर पर बालिकाओं को स्कूल भेजने से कहीं न कहीं कोताही बरतते हैं या भेदभाव करते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में। थोड़ा भी हम ध्यान दे दें और एक उचित माहौल दे दें तो बालिकाएं भी बालकों से कहीं कम नहीं हैं, ये वे करके दिखा सकती हैं और कुमारी आकांक्षा सिंह ने ये करके दिखाया है। स्वाभाविक रूप से नीट की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया है। उनकी जो फर्स्ट जो प्राथमिकता होगी प्रवेश की, वहां उन्हें प्रवेश मिलेगा। उन्होंने एम्स दिल्ली में प्रवेश लेने की इच्छा की है।
वहां पर उन्हें प्रवेश निश्चित मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहां पे जो भी यूजी की पूरी पढ़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा, प्रवेश से लेकर के लॉजिंग फूटिंग के लिए, मैं समझता हूं कि मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि वह पूरा उन परिवार से उसका वो लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा उपलब्ध धनराशि उनको उपलब्ध करवा दें, जिससे बाद में अनावश्यक रूप से फिर परिवार को भटकना ना पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। ये प्रदेश सरकार इस चीज को वहन करेगी, इसमें पूरा सहयोग करेगी और मैं हमारी आकांक्षा सिंह से भी इस बारे में कहूंगा कि उन्होंने जो मेहनत और परिश्रम से स्थान प्राप्त किया है इसको अनवरत बनाए रखें, क्योंकि यूजी में प्रवेश लेने के बाद फिर पीजी, इसके बाद अब मेडिकल की जो आगे की सुपर स्पेशलिटी की नई चीज़ें सामने आई हैं, यह एक चैलेंज होगा। और उन्होंने स्वयं ही कुशीनगर जनपद के प्रवेश को देखते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कुशीनगर जनपद में कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं है, इसलिए तो इन्होंने स्वयं न्यूरोसर्जन बनने का निर्णय किया। देखिए ये है भाव कि हम जिस प्रवेश से हैं, जिस पृष्ठभूमि से हैं, वहां की आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को योग्य बना करके फिर वहां की उस आवश्यकता की पूर्ति करने में अपना योगदान दे सकें। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती जनपद है और उस जनपद में अभी हम लोग जिस एक महामारी को नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, इंसेफ्लाइटिस को, सबसे ज़्यादा प्रकोप इंसेफ्लाइटिस का जिन जनपदों में होता था उनमें से कुशीनगर एक है। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से हम लोग वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में जो नए शोध हो रहे हैं और नए सुपर स्पेशलिटी की नई नई ब्रांचेज चल रही हैं, प्रारंभ हुई हैं, इसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उनकी इस उपलब्धि के लिए उनका और उनके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वो अपनी मेरिट को इसी प्रकार से बनाए रखेंगे और आने वाले समय में भी राज्य सरकार उन्हें हर संभव हर प्रकार की मदद देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा ही। मुझे लगता है कि गांव की अगर सड़क नहीं बनी होगी तो जिलाधिकारी कुशीनगर इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि उस बालिका के ही नाम से उस सड़क को बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये मेरिट के आधार पर साथ साथ अन्य बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बनेगी। हम लोगों ने इसी चीज के लिए शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि प्रतिपदा से एक मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू किया है। देखिए जब कोई शक्तिशाली होगा तो वह सम्मान भी अपना बना सकता है और स्वावलंबन का जीवन भी आगे गुजर बसर कर सकता है। मिशन शक्ति उसी अभियान का एक हिस्सा है। पहले चरण में जागरूकता का व्यापक पैमाने पर हर एक स्तर पर ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। इसके बाद जहां भी कोई चैलेंजेज होंगे उनके समाधान का रास्ता निकालना ये द्वितीय चरण का होगा।
इसके बाद फिर आगे एनफोर्समेंट की जहां कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार की है। लेकिन जागरूकता बहुत बड़ा पक्ष है इसका, और इस जागरूकता के कार्यक्रम के साथ इस प्रकार की बालिकाओं को समाज के सामने लाना, उनके माध्यम से अन्य बालिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं एक बार फिर से कुमारी आकांक्षा सिंह ने न केवल अपने इस नीट में प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि मिशन शक्ति के इस अभियान का भी उन्होंने सराहा है, और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों को बहुत मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से कुमारी आकांक्षा सिंह और उनकी पूरी परिवार को, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके पिताजी और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास भी करता हूं कि वह अपने इस मेरिट को इसी प्रकार से निरंतर आगे बनाने रखने में सफल होगी। सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।